हेलो गाइस, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो का पाठ्यता देखिए। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है। तो प्रॉब्लम तो क्या बोला है, इन 256 सेट्स ऑफ 12 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, इन हाउ मेनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड्स एंड 4 टेल्स। तो जब 12 टॉसेस होंगी, ऐसे कितने सेट्स हो रहे हैं यहाँ पे, 256 सेट्स हो रहे हैं। तो जब 12 टॉसेस होंगी तो उसमें अगर 8 हेड्स आएंगे तो 4 टेल्स तो आएंगी आएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर कोई एक चीज़ दिया होता तो भी अपन क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों दे दिया आपको, यहाँ पे 8 हेड्स एंड 4 टेल्स। तो ठीक है, यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी कॉइन का टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर पी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू कितना होगा, 1/2 विच इज 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो 0.5। फाइन। अब यहाँ पे जो हमको तो यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, 12 टॉसेस कर रहे हैं और मुझे यहाँ तो 8 हेड्स चाहिए और 4 टेल चाहिए। तो या तो आप 8 हेड्स के लिए काम करो, सो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर आप 4 टेल्स के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, बाय बाय बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड्स एंड 4 टेल्स इन 12 ट्रायल्स। जो यहाँ पे 12 टॉसेस हो रहे हैं मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर जो भी अपना यहाँ पे आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 256 हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे या तो प्रोबेबिलिटी निकालो 8 हेड्स का, या फिर प्रोबेबिलिटी निकालो 4 टेल्स का, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 8 हेड्स का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12C8 0.5 पावर में 12 - 8 दैट इज 4। ओके, अब इसको जो अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 12 अपॉन में, यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 12 - 8 दैट इज 4। यहाँ पर आएगा 0.5 पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, बिकॉज देखो बेस क्या अपना कॉमन है यहाँ पे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 12 × 11 × 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 × 4 × 3 × 2। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, 0.5 पावर में क्या रहेगा यहाँ पे, अपना 12 रहेगा। तो ये आपस में कैंसिल हो गया है, ये 12 हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, यहाँ से कटे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अब इसको जो है अपन कैलकुलेटर से यूज़ करके सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, 0.5 का पावर कर लेंगे अपन, 12 ले लेंगे। ओके, इसको निकाल लेते हैं ये कितना कुछ वैल्यू आएगा। फाइन, अब यहाँ पे क्या करना है, क्या देखो 11 × 5 × 9, तो 11 जो भी आंसर आया बता उसको इंटू 11 × 5 × 9 दैट इज 45, ये कर दिए। और देखो इसका आंसर कितना आएगा, 0. देखो कितना दिखा रही है, 0.1208, ये अपना कितना आएगा आंसर, 0.1208, ये अपना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 हेड्स। ओके, अब देखो हमको करना क्या है, इसको 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कितने सेट्स हो रहे हैं, जो अपने एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कितने बार रिपीट कर रहे हैं, 256 बार रिपीट कर रहे हैं। देयरफॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सच केसेस इन 256 सेट्स इक्वल्स टू 256 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 टाइम्स पी ऑफ गेटिंग 8। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 256 × जो भी आपका आंसर है दैट इज 0.1208। ओके, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो आंसर आया तो उसको क्या करेंगे अपन, 256 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और इसका आंसर है वो कितना है, 30.9, ये कितना अपना है, 30.9।
0.9, विच इज राउंड ऑफ हम कर सकते इसको 31 तक का, एंड दिस विल माय फाइनल आंसर। ठीक है, आप आई होप कि इसको आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को पसंद आए तो थैंक यू।